चलिए जी, जम्मू कश्मीर के लोगों को जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार जो है वो अब खत्म होने पे आ गया है। बीजेपी हाईकमांड की तरफ से आज दिल्ली में जो है वो कई सारी जो मीटिंग्स हैं वो देखने को मिली हैं, जिसमें आपको बताने चलें कि बीजेपी की तरफ से जो है वो जम्मू कश्मीर में जितने भी कैंडिडेट जो है वो असेंबली इलेक्शन में उतारे जाएंगे उसकी पहली लिस्ट जो है वो 11 बजे तक जो है वो जारी की जाएगी। ये समय का सबसे बड़ा टॉप अपडेट है। लगभग आपको 20 से 25 मिनट का और इंतजार करना होगा और पूरी की पूरी डिटेल जो है वो आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जम्मू ट्रिब्यून एक सबसे तेज न्यूज नेटवर्क है जो कि हर खबर को आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में बता दें कि बीजेपी जो है वो आज रात 11 बजे जो है वो तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो जारी कर देगी। ये सबसे बड़ा अपडेट है, लेकिन इसमें आपको बताने चलें कि कई सारे आपको इस लिस्ट में नए चेहरे भी जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहली लिस्ट जो है वो बीजेपी द्वारा जो है वो जारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि कई सारे इसमें नए चेहरे भी हो सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ पुराने चेहरों के हवाले से बात करें तो उनका भी इसमें जो है वो खास ध्यान जो है वो रखा गया। तो आप लोग जरूर अभी से बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपने जो सोचा था कि आपके इलाके का ये कैंडिडेट होना चाहिए, तो क्या वाकई में वही होगा या फिर कोई नया चेहरा जो है वो बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारा गया होगा। लगातार हर कोई जो है वो ये सोच रहा था। बीजेपी की बात करें तो उसमें जो है वो कई सारे ऐसे नेता थे जो कि टिकट को लेकर जो है वो खींचातानी भी कर रहे थे। हर कोई ये चाहता था कि उसे टिकट मिलनी चाहिए, पर अब कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, 11 बजे ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से इस बार किस पर जो है वो भरोसा जताया गया है और किसको जो है वो मैदान में उतारा गया। हर पार्टी इस समय जो है वो जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा असेंबली सीटों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हवाले से बात करें जो कि मिलकर इलेक्शन लड़ रही है, और इसी के साथ साथ पीडीपी की बात करें, बीजेपी की बात करें और भी कई सारी ऐसी पार्टी से, नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया की बात करें, तो हर पार्टी इस समय जो है वो यही जोर लगा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करे। पर अब जो बीजेपी की को हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिरकार बीजेपी जो है वो कब अपने कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो जारी करेगी, तो वो इंतजार अब खत्म होने पे आ गया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आज कई सारी जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं वो जो है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिली हैं, जिसमें जेपी नड्डा जी के हवाले से बात करें तो वो भी जो है वो वहां पर मौजूद थे, और भी कई सारे जो पार्टी के नेता थे वो वहां पर थे और एक बड़ी बैठक देखने को मिली है। लेकिन एक ये कहें कि 11 बजे के करीब ये पूरे चेहरे जिन्हें बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारा गया है वो जो है वो वहां पर साफ आप लोगों को भी दिख जाएगा कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से इस बार जो है वो किस पर भरोसा किया गया है और बीजेपी की तरफ से किसको जो है वो टिकट दी गई है। तो जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर दे, जैसे ही लिस्ट सामने आएगी वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हर पल की जो अपडेट है वो हम आप तक साझा करें और आप तक वो अपडेट जो है पहुंच सके। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, जय जवाहर।